आपने ऐसे 100 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जो विक्टिम है, तो ये बहुत बड़ा रैकेट है। उसी समय ऐसे ऐप्स का बहुत सारा इमरजेंस हुआ। उसने एक ऐप से 6000 रुपया लिया और उसको एक महीने में, उसको 7 दिन में ही उसका इंटरेस्ट होने लगा था। तो करीब एक महीने तक वो जो नहीं चुकाया कि कॉन्टैक्ट से लेकर वो आपसे, एक तरह से आदमी डिस्परेट होता है, पैसा लेना होता है कि उस सब दबाते जाता है। उसके दो ऐप से फिर 28000 रुपया ले, 30000 रुपया लेके इसको चुका दिया। इस तरह से वो लगभग 17 ऐप से, उन्होंने बताया कि 17 ऐप से वो पैसा लेते वो 7-8 लाख रुपया। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि चीन के कुछ ऐप आपको चूना लगा रहे हैं, खास करके बिहार के लोगों को कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपया की चूना लगा चुकी है ये सारे चीनी ऐप। तो इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा जी हैं। इन्होंने इस मामले को सोशल मीडिया पर जब डाला तो इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इनके पोस्टों को लाखों आदमी ने शेयर किया, क्योंकि इसके, ठीक है, आप कह सकते हैं एक तरह से शिकार हजारों आदमी, बिहार के हजारों युवा हो चुके थे। क्या है पूरा मामला, किस तरह से चीनी ऐप के शिकार बिहार के लोग हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या है पूरा मामला? आपने फेसबुक पोस्ट किया था, ट्विटर पोस्ट किया था कि एक चीनी ऐप है, कई चीनी ऐप है जिससे लोन मिलता है, कुछ सीमित संख्या में 5000-2000 रुपये के कोई लोन लेता है, लेकिन कुछ ही महीने में, कुछ ही दिनों बाद उस लोन की रकम दुगुना हो जाती है। क्या पूरा मामला? देखिए, इसमें जो मामला इस तरह से है, मतलब वो कैसे होता है मैं मॉडस ऑपरेंडी बताता हूँ। ये कहाँ से शुरुआत हुई कि ये अभी जो मैक्सिमम मामला आया है वो लॉकडाउन में, आप जानते हैं कि बिहार जैसे गांव में यहाँ पे कई सारे छोटे जगहों पे लोग 15000-20000-25000 रुपये कमाते हैं और उनसे उनका पूरा घर चलता है, परिवार चलता है। लॉकडाउन के दौरान जब सारे फैक्ट्री कंपनियाँ बंद हो गई थी, कंस्ट्रक्शन कंपनीज बंद हो गई जहाँ पर अधिकतर बिहार के लोग काम करते, तो उनको सैलरी वैलरी नहीं मिल रही थी। ये आ रही थी कि 10 दिन बाद मिल जाएगा, 15 दिन बाद मिल जाएगा, 20 दिन बाद मिल जाएगा, तो उस उम्मीद में। उसी समय ऐसे ऐप्स का बहुत सारा इमरजेंस हुआ। मुझे जो पर्टिकुलर कहानी मिली, मैं उस कहानी को शेयर करना चाहता हूँ। बिहार के ही हैं वो, उनके छोटे भाई यहाँ पे काम करते थे ओखला में, वो बिहार में मधुबनी के रहने वाले हैं, तो वो वहाँ से आए। उनका छोटा भाई था, वो उसके फैक्ट्री में काम करता था, उसके पास मैसेज था कि आपको अगले महीने सैलरी मिलेगी। उसको पैसे की सख्त ज़रूरत थी, तो उसने एक ऐप से 6000 रुपया लिया और उसको एक महीने में, उसको 7 दिन में ही उसका इंटरेस्ट होने लगा था। तो करीब एक महीने तक वो जो नहीं चुकाया, तो वो 6000 की राशि उसके लिए करीब 25 से 28000 रुपया हो गया था। अब उसके पास उसको टॉर्चर करने लगा, धमकी देने लगा, नहीं दोगे तो, उसको बोला कि मैं आपके उसके दो रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया, उसे सारे कॉन्टैक्ट, और वो जब आपके यहाँ लोन लेते हैं तो वो सारी आपकी डिटेल्स ले लेते हैं, तो वो जब परमिशन, क्योंकि वो आपके जब आते हैं तो वो फ़ोन पे, चूँकि आपको फ़ोन के थ्रू होता है, तो वो इतना सारा परमिशन ले लेते हैं कि वो आपके कॉन्टैक्ट से लेकर, वो आपसे, एक तरह से आदमी डिस्परेट होता है, पैसा लेना होता है कि उस सब दबाते जाता है, और उस दबाने के चक्कर में वो अपने फ़ोन के सारे परमिशन उसको दे देता है, वहाँ से उसके हाथ में सारे परमिशन आ गए। तो जब ये इसके पास लोग धमकी देने लगे कि भैया 25-28000 हो गया और रिश्तेदार को फ़ोन करेंगे, तो उसने क्या किया कि इसको चुकाने के लिए इसने दो ऐप से फिर 15-15000 करके ले लिया, फिर लोन ले लिया दो अलग ऐप से। 28000 अचानक 28000 उसका आ नहीं सकता था, अब 28000 कहाँ से आए, तो सोचा कि कुछ तो मुझे वक्त मिलेगा, तो उसके दो ऐप से फिर 28000 रुपया ले, 30000 रुपया लेके इसको चुका दिया। अब वो 28000 फिर 7 दिन बाद 60000 हो गया। अब उसको चक्कर, इस तरह से वो लगभग 17 ऐप से, उन्होंने कुछ बताया कि 17 ऐप से वो पैसा लेते वो 7-8 लाख रुपया हो गया। 17 ऐप कहाँ कहते हैं? वही सब चाइना से रिलेटेड उसके लोग हैं चाइना, और अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि उसके कहाँ है चाइना है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो करके। तो 6 लाख रुपया 17 ऐप से हो गया। उन लोगों ने उनके जितने कॉन्टैक्ट्स का अलग अलग 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, और वहाँ पर उसका फ़ोटो के साथ कि ये चोर है, उसका अलग अलग भद्दा ये करके उसके लोगों को धमकी देना। और लोग कहते हैं कि ये पुलिस में क्यों नहीं गए, लोग सवाल करते हैं, लेकिन वो इस तरह के लोग होते हैं, उनको लगता है कि अंदर एक डर हो जाता है, वो हर आदमी डर नहीं सकता है। हम लोग मीडिया के लोग हो जाते हैं या जहाँ पे संस्थान को जानते हैं, जहाँ पे काउंटर कर सकते हैं, तो वहाँ हम लोग लड़ सकते हैं। हर आदमी भारत का लोग लड़ नहीं सकता है उस तरह से। तो इस तरह से वहाँ पे धीरे धीरे हो गया, और मुझे लगा, और जब मेरी इनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि इस तरह के कई उनके जानकार भी हैं, लोग डर के मारे सामने नहीं आ रहे हैं। तो यही मेरा उद्देश्य था कि ये जो इस तरह के जो मामले आए हैं, उनका कहना था कि लाखों परिवार हैं। जब मैंने ट्वीट किया है तो मेरे DM में, मैसेज में कई सारे लोग अपनी कहानी लिख रहे हैं। एक ने बेंगलोर से मैसेज भेजा है कि उसने ऐसे 100 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जो विक्टिम है,
तो ये बहुत बड़ा रैकेट है, इसमें गवर्नमेंट सोसाइटी सबको सामने आके मतलब उस बंदे को 6 लाख रुपया जब कर्जा हो गया, 6 लाख चुकाना पड़ा, वो चुका दिया, हाँ उसको चुकाना पड़ा। अब अपने जो भी है सब पूरा परिवार, उस जब परिवार को बोला तो सब पूरे समाज मिलके सबने मिलके वो सुसाइड करने तक की उसकी नौबत आ गई थी। तो अच्छा शुरू में लोग बोलता नहीं है कि इस तरह की चीज़ों पे लोग लेता है, जब पूरा तो जब पूरे परिवार को जानकारी मिली जिस तरह से मामला है तो वो उसने दिया है। और अब लोग लड़ने के लिए सामने आ रहे हैं, जब मैंने पोस्ट किया है उसके बाद देख रहा हूँ कई लोग संपर्क कर रहे हैं, कई सारे बिहार से अलग अलग जगह से फ़ोन भी आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह का जो मामला है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही इस भयावह मतलब एक जो जो मैंने सुना है जो विक्टिम के लोग हैं ये भयावह है, तो इससे लोगों को निकलना चाहिए। आपको मतलब साइबर सेल से भी फ़ोन आया था, बिहार साइबर सेल से भी आया था कि अगर आप जो विक्टिम का अगर आप कॉन्टैक्ट दे सकें तो मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूँगा। मैंने उन्हें कंसर्न लोगों का नंबर दे दिया है, कई सारे जो मैंने बताया कि अभी बेंगलोर के एक लड़के का फ़ोन आया था, उसने ऐसे विक्टिम के करीब 100 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, तो वो अलग अलग तरीके से अब मुझसे संपर्क में कर रहे हैं। तो अब लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये लड़ना चाहिए। इस प्रकार के जिन्हें आपके ज़्यादा शिकार लोग बिहार के लोग हुए हैं, हाँ बिहार झारखंड के, वह चूँकि वो वही मैंने कहा कि जो अनडेवलप्ड जो लोग बाहर आके जो एक वर्किंग है, जिनका अचानक लॉकडाउन या कोविड के बाद अचानक कमाई रुक गई थी, पहले का बैकअप नहीं है और इनको लगता है कि अरे ठीक है 7 दिन में पैसा आ जाएगा, लोग उम्मीद के सहारे, हम लोग तो अधिकतर तो उम्मीद के सहारे रहते हैं कि 10 दिन बाद पैसा आने वाला है, 15 दिन फिर नहीं आया, तो एक जब आप फंसने लगते हैं तो आप जानते हैं किस तरह का वो जो कर्ज का होता है, तो वो फंस रहे हैं लोग। अभी भी बहुत लोग होंगे जो मतलब लोन लिए होंगे, उनको भी प्रेशर दिया जा रहा होगा कि आप चुकाइए नहीं तो आपके प्रेशर में अमानवीय तरीके से प्रेशर होता है, बताइए कि आपको ब्लैकमेल करके हर तरीके से ये, और जिस तरह से उसके कॉन्टैक्ट, उसके सारे दोस्तों का, उसके सारे रिश्तेदारों को, समाज में जितने लोग सबका कॉन्टैक्ट, सबको फ़ोन करके उसको गाली देता है, अच्छा, उसके दोस्तों को, उसके लोगों को गाली देता है कि तुम्हारा कौन है, हाँ हाँ सबके कॉन्टैक्ट मिला के करते हैं, उसका व्हाट्सएप ग्रुप बना देता है, उसके बारे में फेसबुक पोस्ट करवा देता है उसके बारे में। तो ये बहुत ही, ये तो कई आदमी बहुत ही डिप्रेशन में जा रहा है, लोग सुसाइड करने की सोच रहा है, तो इस पर अब देखना चाहिए इससे पहले कि बहुत हालत ख़राब हो जाए। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, खास करके बिहार पुलिस को जो साइबर अपराध के जो जिम्मा जिनके अंदर है उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन आखिरी सवाल है सर कि जो लोग लोन ले चुके हैं अभी, उनको अगर प्रेशर दिया जा रहा है कि आप पे कीजिए, तो उन लोगों को क्या पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, अभी सरकार को शिकायत करके करना चाहिए, साइबर सेल में शिकायत करें, डरिए नहीं और तब वो करें। साफ तौर से अगर आप भी बिहार से या झारखंड से कहीं से भी हैं और इस तरह के चीनी आपके शिकार हुए हैं, लोन लिया और उसके बदले में आपको कहा जा रहा है कि 20,000 के बदले आप 1 लाख रुपये चुकाइए, तो उन ऐप के जरिए पैसा मत चुकाइए, पहले नियर बाय जो आपका पुलिस स्टेशन है उनके पास जाइए और इसको पुलिस प्रशासन में दीजिए कि मैंने उससे 10,000 रुपये लिया था और 1 लाख रुपये मांग रहा। लेकिन सबसे पहली बात तो यही कहूँगा कि कोई भी आदमी इस तरह के चीनी ऐप से पहले लोन ले ही नहीं, क्योंकि आपको बाद में ब्लैकमेल करेंगे। इन्होंने एक कहानी सुनाया आपको किस तरह से 7,000 रुपया लोन लिया था और उसको चुकाना पड़ा करीब 7.5 लाख रुपया, उसके माँ बाप ने ज़मीन बेचकर उस रकम को चुकाया क्योंकि नहीं तो ब्लैकमेल कर रहे थे समाज में। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज़ मीडिया के लिए।